कढ़ी को उबलने देते हैं। जब एकदम से उबाल आ जाएगा और जो उबाल है वो बैठ जाएगा, बाद में धीरे 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 अंदर अंदर उबलने लगेगा, तभी कढ़ी तैयार हो गई है। तभी वो बेसन पक जाता है। ये कढ़ी में बेसन और दही और पानी का मिश्रण करके कढ़ाई में मिक्स करना है और उसमें थोड़ा सा गुड़, अदरक, पिंच हल्दी, हाफ स्पून नमक मिला के बराबर हिला के वो गोल है ना रेडी करना है, और घी में वघार करके फिर वो गोल उसमें डालना है। तो वघार में हम पहले घी रखेंगे, घी में जीरा डालेंगे, लौंग, दालचीनी टुकड़ा, ग्रीन मिर्ची, कड़ी पत्ता सब डाल के वघार करेंगे और चुटकी हींग और गोल उसमें डाल के वघार करके हम उसको उबालेंगे, और जब तक कि पूरा उबाल आ न जाए तब तक की कढ़ी तैयार नहीं होती। अभी हमारी कढ़ी बहुत अच्छी तरह से उबल गई है, आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी तैयार हो गई है।